यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शवारमा। तो सबसे पहले हम सैलेड तैयार करेंगे। तो सैलेड तैयार करने के लिए हमने एक बाउल लिया है, उसमें सबसे पहले हम खीरे ऐड कर लेंगे और खीरों को मैंने अच्छी तरीके से छील कर उसे लंबा लंबा काट लिया है। तो दो मीडियम साइज़ के खीरे ऐड कर लिए हैं। अब हम इसमें दो मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर लेंगे जिसे मैंने रफली काट लिया है। अब हम इसमें दो मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे, उसे भी मैंने लंबा लंबा काट लिया है। अब हम 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, आप हसबे ज़ायका ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, ये भी आप हसबे ज़ायका ले सकते हैं। और अब हम 5 टेबल स्पून विनीगर ऐड करेंगे। तो विनीगर ऐड कर लिया है, अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अब हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम फिलिंग तैयार करते हैं। तो फिलिंग के लिए हमने एक पैन में बोनलेस चिकन ऐड कर लिया है, जिसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसमें 1/2 कप से भी थोड़ा सा कम पानी ऐड कर लेंगे। अब हम चिकन में 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे, आप हसबे ज़ायका ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर लेंगे पाउडर, और अब हम 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। तो अब हम चिकन को थोड़ा सा पका लेंगे। तो चिकन अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर कवर कर छोड़ देंगे कि चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। तो जब तक चिकन गले तब तक हम इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं। तो सॉस बनाने के लिए हम एक बाउल में 5 टेबल स्पून मायोनीज ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 टेबल स्पून मायोनीज ऐड कर लिए है। अब हम 5 टेबल स्पून नेशनल की चिली गार्लिक सॉस ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड कर लिए है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, आप इसके छोटे पीसेस भी करके ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून से कम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून से कम ही हम इसमें काली मिर्च ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो सॉस को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर चिकन अच्छी तरीके से गल गया है, अब हम इसमें 1 टीस्पून भर कर टिक्का मसाला ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड करके इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो चिकन अच्छी तरीके से भुन चुका है, अब हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम शवारमा ब्रेड को थोड़ा सा सेक लेंगे। तो सबसे पहले हम पैन को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा सा ऑयल हमने इसके ऊपर भी लगा लिया, अब हम इसे थोड़ा सा सेक लेंगे। और इसी तरीके से हम सारी ब्रेड्स को सेक लेंगे। तो यहाँ पर चिकन ठंडा हो चुका है, चिकन को हमने थोड़ा सा ब्रेस्ट कर लिया है और सैलेड और सॉस भी तैयार हो चुकी है और हमने सारी शवारमा ब्रेड को भी सॉक करके रेडी कर लिया है। तो अब शवारमा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेड पर सॉस लगाएंगे। सॉस लगा ली है, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें सैलेड ऐड करेंगे। तो सैलेड भी इस पर ऐड कर लिया है, अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो इसे हमने फोल्ड कर लिया, इसी तरीके से हम सारे शवारमे तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर सारे चिकन शवारमा रेडी हो चुके हैं। आई होप यू लाइक एंजॉयड दिस रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा कि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।